गल दुखिया जाने ते सुखिए नू की खबरा सजन जिना दे मौत ने मारे ओ तक तक रोंदे कबरा डा टुर गए यारे मोहब्बता वाले ओ ते नाले ले गए हासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद हुन जाइए केड़े पास टुर गए यारो नजरी आवे कंड की थी जद यारा बहुत अच्छा सुन बहुत अच्छा दिना सुन चकवा मजा आ गया पढ़ यकीन कर अल्लाह ताला तोड़े कर बाज बरकत अता फरमाए अल मदीना सुन बहुत अच्छा सुन अल्लाह ताला मुझे बड़ा पसंद आया और अल्लाह ताला आपके पक्का दरबार में बरकत अता फरमाए पीर नसीरों की नसीर साहब क्या कहते हैं कि जिसे मैं सुनाता था दर्द दिल वो जो पूछता था गमे दरों जिसको मैं अपने दिल की बातें सुन रहा था वो जब चला गया तो मेरे पे क्या गुजर फिर पीर साहब क्या कहते हैं कि जिसे मैं सुना नवाज बिछड़ गया वो अता शयार चला गया के दुनिया चांदी शर्मिया साहब मुसाफर खाना कोई आवे कोई जावे किस दी जुरत मोहम्मद बख्श इथा पक्के डेरे ला अच्छा मैं मकामे फिक्र तो काफी देर से पढ़ूं तुर गए यार दिला दिलाने रात पवे दे बेदर्दानू ना कर बंदिया मकामे फिक्र है लेकिन मैं एक शेर में आपका जोक देखना चाहता हूँ ये मियां साहब ने रमीज भाई दूध मक्खन तकिया जो तकिया लिख छोड़िया मज तकी गां तकी मियां साहब दूध तक मक्खन तक की कहना मियां साहब कहना के मक्खन दूध दे के मक्खन दूध दे अंदर होंदा पर नजर किसे नु ना आवे उस नु ही बस नजरी आवे जड़ा अंदर चाती पावे सब नौजवानों को कहते हैं नौजवान तो बड़े आशिक मिजाज उन्हें सोनी शक्ल तक के आशिक नहीं होना की करना है क्या चंगी सूरत दे उस सोने दा जिसे शकल बनाई और मियां साहब 18 किताबें दुनिया के गम खत्म ना हुए अपने आप को क्या करते हैं आखिरी शेर बुढ़ापे की उम्र में मियां साहब कहें क्या बस कर मियां ओ मोहम्मद बख्शा हुन मोड़ कलम दा कोड़ा क्योंकि सारी उम्र है दुख नहीं मुकने छवर का पिछवर का रह गया थोड़ा और सुबह सुबह गर्मियों में कोयल की आवाज मियां साहब ने सुनी कोयल की आवाज तो उठ के कोयल को क्या कहते हैं कि सुबह सवेरे काली है कोयले ना बोल गमा दी बोली ना वस तेरे ना वस मेरे जो लिखे आ पैना चोली हा और मियां साहब कहते हैं जिन्हों मौत ले आ जाए वो कदू आ सकता कदे नहीं आ सकता ये बात सुन के वाह वाह तो करने की बात है लेकिन इबरत की बात है अक्सर जवान मौतें होती हैं तो मैं कहता हूँ इससे इबरत हासिल करो कि यार वो फरिश्ता इधर अगर आया तो इधर भी आ सकता तो ये सारी बातें देख के अपने अमाल को ठीक करना चाहिए मियां साहब कह रहे केडी गर टली ते शामा पया जब डीगर होती है शाम को मतलब बड़ा कुछ हमें बता देता है केडी गर पई ते शामा पया ते पंछी करानू आए
पंछी घर में आते हैं ना, परे ओ नी आए ओ परत मोहम्मद जड़े आप हथी दफनाए, ओ नी आए ओ परत मोहम्मद जड़े आप हथी दफनाए। जड़े आप हथी दफना ओ नी आए ओ परत मोहम्मद। आज मां होंदी अज जूंदी अज पुछदी हाल मेरा, अपने नालों बद के रखदी ख्याल मेरा, के उचियां लंबियां लाल खजूर लगिन मजना दिया छावा, हर एक चीज बाजारों लभदी पर नहीं लभदियां ने मावा, ते बाप मरे मरण कंड खाली मावां बाद मोहम्मद बख्शा आज कौन करे रखवाली। ते पाई पाया दे दर्द वडांदे ते पाई पाया दियां पावां, बाप सिरे दा ताज मोहम्मद ते मावां ठंडियां ठंडियां मावां ठंडियां छां यार। जब मैयत घर पड़ी होती है ना तो जनाजा उठता है, उसके दोस्त भाई बहने वाले रोते हैं मैयत, अब जनाजा मौलवी साहब कह रहे हैं जनाजे का टाइम हो गया जल्दी करो, तो आप मैयत जाते हुए घर वालों को क्या कह रही है कि लै गुण यार हवाले रब दे हुण मिल लो जांदी वारी, मिलने नू तुसी याद करे सो ते रो सो उमरा सारियां। उठ गया जनाजा, मैयत कब्र में जा रही है, अब आखिरी वो मट्टी डाल रहे हैं और चेहरा देखते हैं, अब चेहरा देखते हो क्या कह रही है के लै गुण यार हवाले रब दे हद लंबी पैया जुदाई, रब मिला सी ते फिर मिलांगे नित होर उम्मीद न काय, कोई गल आ गई ना के ओ नी आए ओ परत मोहम्मद जड़े आप हथी दफनाए। बिन सजना सजना पर चिन्ना मेरे ओ सजन नु तकिया, पर चिन्ना मेरे ओ सजन नु तकिया ओ ना रजया ना रजना। दो शेर पेश कर गया, लेकिन ये शेर मुझे याद करा दिया उन्होंने, बड़े बड़े शेर देखे मियां साहब के, लेकिन ये शेर जब मैंने पढ़ा तो मैं तो हैरान ही हो गया। अब शेर आपने सुनना है, गौर करना है क्या बात की मियां साहब ने, के आ सजना आ सजना जे तू सजना सजना बिन सजना की सजना बिन सजना की सजना सजना की सजना, जिन्ने मेरे सजन नु तकिया ओ ना रजया ना रजना, के मुख ना मोड़ी सैफ मधु का यारा। और आखिरी शेर, के सदा न बागी बुलबुल बोले सदा सदा न बागी बुलबुल बोले सदा न बाग बहारा सदा न मा
पे हुस्न जवान ते सदा ना सो बतयार। रमीश भाई देखा वो आखिरी शेर वो पढ़े, चले मैं आखिरी शेर वो पढ़ लेता हूँ। मियां साहब कहते हैं कि 3 महीने खलकत रज गई तक के यूसुफ की नियानी मिस्र में जब कैद पड़ा तो हजरत यूसुफ का चेहरा तक मिस्र वाले 3 महीने रज जाते। मियां साहब ने जब ये रवायत पढ़ी तो मियां साहब कहते हैं मिस्र वाले 3 महीने रजे हो तुसी मेरा मोहम्मद अरबी नहीं तकिया। फिर 3 महीने खलकत रजी तक के यूसुफ की नियानी किरियान के रहने वाले थे। आखिरी शेर के 3 महीने खलकत रज गई तक के यूसुफ की नियानी पर जिन्ना मोहम्मद अरबी तक जिन्ना मोहम्मद अरबी तक रज गए दोनों जहानी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।